देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी सी हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसा, जो कि 15 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगा, और उसकी फिलिंग बनाएंगे जो कि आप देख रहे होंगे। इतनी स्पेशल, इतनी यम्मी फिलिंग आप आज तक इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो चलिए ये देखते हैं और ये ही फिलिंग हम बनाते हैं कि कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी बन करके तैयार होगी हमारी ये फिलिंग। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में हमने ये फिलिंग बनाना बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बनाना सीखते हैं आज इंस्टेंट डोसा, जो कि बच्चों की फरमाइश होती है आजकल बनने में। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें कैसे बनाना है इंस्टेंट डोसा। देखिए, हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम इंस्टेंट डोसा बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं, एक बाउल ले लिया है हमने, एक बाउल से थोड़ा सा कम है सूजी, और उस पर हम डाल देंगे 2 स्पून बेसन, और ये नॉर्मल जो घर में रोटियां हम बनाते हैं उसी का आटा 1 स्पून। तो ये देखिए, पूरा फुल बाउल भर गई है। तो एक बाउल हमने ले लिया है सारा सामान। अब इसको हम छान लेंगे, जिससे कि आपस में सब मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक साथ। उसी बाउल से हमने ले लिया है एक बाउल पानी, तो उसको हम बैटर बनाते हुए घोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से घोलेंगे तो ये सारा का सारा बैटर अच्छे से बन चुका है। इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए, 15 मिनट के लिए रख दिया था, तो ये कैसा हो गया थिक। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए, इसमें हमने हाफ़ बाउल ले लिया है पानी, जिसको हम इसमें हिलाते हुए डाल देंगे, जिससे कि सारा इसमें आ जाएगा। ये देख सकते हैं, तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है 5 मिनट के लिए। तो अच्छे से स्मूथ बैटर हो चुका है, ये देख सकते हैं। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हमने अभी तक 1.5 बाउल पानी ऐड किया हुआ है। तो इसमें अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसको फिर से मिक्स कर देंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको हम डाल देंगे अपने पतीले में, फिर से ट्रांसफ़र करेंगे बर्तन में, और उसको हम ढक करके रख देंगे। आप देख सकते हैं बैटर कितना अच्छा स्मूथ बन करके तैयार हो गया है। और इस स्पैचुला पर देखिए, एक पतली सी कोटिंग हो रही है, बस इसी तरह से परफेक्ट बैटर होता है डोसे का। तो चलिए, इसको अब हम रखते हैं साइड में, और इसको हम और आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो उसको हम देखिए, हमारा अच्छे से हो गया, 15 मिनट भी हो चुके हैं। तो इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, और बनाएंगे हम इसके डोसा। तो ध्यान रखिएगा, स्किप मत करके जाइएगा, क्योंकि बाद में हम इस डोसे का बहुत अच्छा सा यम्मी सा फिलिंग बताएंगे, जो कि आपने कभी नहीं ऐसी देखी होगी ना खाई होगी। तो देखिए, कुछ बूंदे हमने ऑयल डाल दिए अपने पैन पर। इसको हम टिश्यू पेपर या किसी नैपकिन पेपर से पोंछ देंगे। तो हमने नैपकिन पेपर ले लिया है, उसे हम पोंछ दिया है इसने, और अच्छे से हीट आ रही है। तो क्या है, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, पानी की छींटे डालेंगे और इसे हम पोंछ देंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से इस पर बैटर फैलाएंगे, हल्के हाथों से जेंटली एक ही डायरेक्शन में फैलाते जाएंगे, और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए, अगर कहीं पर मोटा हो गया तो उसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से हमने हटा दिया है, और ये देखिए ड्राई होने लगा है। तो क्या है, ड्राई हो गया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। जो भी ऑयल खाएँ आप, हल्का सा लगा दें, जिससे कि ये पकने में थोड़ा सा आसानी हो और बिल्कुल भी अच्छे से बन जाए। तो देखिए, इस तरह से देखिए, हम सॉफ्ट बना रहे हैं डोसे। आप अगर क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अगर आपके तवे पर अच्छे से नहीं हीट लग रही है, तो आपको थोड़ा सा इधर उधर तवा हटाना भी पड़ेगा। तो देखिए, इंस्टेंट डोसा बनकर तैयार है। अभी हमने सादा डोसा बनाया है, और ये देखिए फिर से वही प्रोसेस कि हमने तवे पर अपने पानी ऐड किया, और उस पर हमने बैटर डाल दिया। तो आप देखिए, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा फैला सकते हैं। सेफ पर मत जाइएगा, क्योंकि इसको आखिर में हमें सर्व करना है फोल्ड कर कर ही। तो सेफ पर मत जाइएगा। अगर क्रिस्पी करना है तो इसी इंस्टेंट को हाई फ्लेम पर इसे क्रिस्पी कर लेना है, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर क्रिस्पी करेंगे ना तो ये चूई सा हो जाएगा। तो इसको हाई फ्लेम पर क्रिस्पी करना है। तो देखिए, जब क्रिस्पी होने लगेगा ना, तो ये अपने आप छूट जाएगा, बर्तन को छोड़ देगा। देखिए, इतना अच्छे से हो गया है। तो इस पर हम लगा देंगे बैटर जो बनाया था। तो ये बैटर आप देखिएगा जरूर, क्योंकि ये एक बार बनाकर खाएंगे ना, तो आप रोटी चपाती पूड़ी किसी के साथ भी होगा ना, तो आप यही फीलिंग खाने को कहेंगे। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी लगती है। तो देखिए, नए तरीके से हम इसे बनाना बताएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा डोसा देखिए, क्रिस्पी वाला भी बनकर तैयार है, और ये देखिए सारे इंस्टेंट डोसा बन करके तैयार हैं 10 मिनट में। इसको सर्व करेंगे उसी फीलिंग के साथ, क्योंकि बच्चों को हमारे ऐसे ही खाना भर कर उसको खाना नहीं पसंद आता है, इसी तरह से खाना पसंद आता है, क्योंकि इसी तरह से उन्हें अच्छा लगता है खाने में। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से यम्मी टेस्टी डोसा बन करके तैयार है। आप क्रिस्पी खाना चाहें तो इसको अच्छे से देखिए, एक हमने क्रिस्पी भी बनाया है, जो
तो ये हमने डाल दिया ज़ीरा, हींग और ये सरसों के दाने कुछ, प्याज रफली कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का, इसको हम भून लेंगे सारे को। और इसमें अब इसे हम भूनेंगे अच्छे से, और इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इन्हें हम मिक्स करते हुए पका लेंगे अच्छे से। और हमने ये देखिए, दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हुए, टमाटर लिए हुए थे, जिनको हमने चार पीसों, एक टमाटर को चार पीसों में कर लिया है, नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार। तो ये देखिए, चार टमाटर लिए थे, उनको चार, एक टमाटर को चार पीस कर लिया है। तो ये दोनों टमाटर को हम ऐसे लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2 स्पून, जिससे कि प्याज भी पक जाए अच्छे से और टमाटर भी हमारे अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए इस तरह से कर देंगे। इसमें जो इसका स्मोकिंग फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा चला भी देंगे बीच बीच में, और इसकी टमाटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे इस तरह से, और अच्छे से इनको पकने तक कुक करेंगे। इस तरह से आपने फीलिंग नहीं देखी होगी, जिस तरह से हम बता रहे हैं, इसका बहुत टेस्टी फीलिंग आती है। ये हमारा घर का पनीर है, दूध फट गया था तो उसे हमने पनीर बना लिया था। अगर आप बाहर मार्केट का पनीर लेना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पनीर को भी सब्ज़ी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें स्टफिंग बनाएंगे इसकी। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अच्छे से अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। ये देखिए एक टमाटो मैशर ले लेंगे और मैश कर देंगे, जिससे कि जल्दी से मैश भी हो जाएंगे। देखिए इसका कलर थोड़ा सा डिम लग रहा है, अगर आपने हमने कश्मीरी मिर्च डाली होती तो इसका बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी कलर आता, जबकि हमारे यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम खाते हैं सब लोग, इसलिए नहीं डाला था। और ये देखिए गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है इस पर थोड़ा सा, तो आप डाल सकते हैं, और इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब डाल दिया हमने पनीर, इसको मिक्स करेंगे। अगर आपका मार्केट का पनीर है तो आप इसे मिक्स करके तुरंत हटा दें, वरना वो चुई सा हो जाएगा पनीर।